माई YouTube चैनल आप सभी का स्वागत है। अब देखो आज अपन पढ़ रहे हैं क्या नोटिस। अब नोटिस को क्लास 12th में ये पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्जामिनेशन में RBSC का जब एग्ज़ाम होता है तो उसमें पूछा जाता है। तो सबसे पहले अपन इसमें क्या करते हैं, जैसे इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है या स्कूल का नेम लिखना है आपको, स्कूल नेम या इंस्टीट्यूट नेम जो उस पर्सन में या क्वेश्चन में दिया हुआ है वो नाम आपको यहाँ पर लिखना है। अब कैसे लिखना है, इन कैपिटल वर्ड्स, यानी कैपिटल वर्ड्स में इसको लिखना है। फिर उसके बाद में कैपिटल वर्ड्स में आपको स्कूल का नाम लिखना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो आपको शुरुआत में यहाँ पर लिखना है। फिर इसके बाद में यहाँ पर डेट लिखनी है। अब डेट अगर उसमें दी हुई है तो वो लिखनी है। अगर डेट दे रखा है, जैसे मान लो कोई भी प्रोग्राम हेल्ड हो रहा है तो उससे 5 दिन पहले की अपन डेट लिखते हैं। जैसे मान लो ये लगाया गया कब, ये लगाया गया 10 मार्च 2023 को लगाया गया क्या नोटिस। अब ये नोटिस बोर्ड पे पहले लगाया जाता है नोटिस, और बाद में क्या किया जाता है, बाद में इसको शो किया जाता है सबके सामने। तो अब यहाँ पर लिखना है आपको नोटिस का नाम जो उस क्वेश्चन में दिया हुआ है। जैसे मान लो ये है आई डोनेशन कैंप पर, किस पर है, आई डोनेशन कैंप, आई डोनेशन कैंप पर ये नोटिस लिखना है। अब जितने भी कैंप होंगे उन सभी में ये फॉर्मेट चलेगा, आसानी से आप हर नोटिस को कर सकते हो। जो भी कैंप पर आधारित नोटिस होगा उसको आप ऐसे इस फॉर्मेट से आसानी से बना सकते हो, और 4 में से 4 नंबर 12th क्लास के एग्जामिनेशन में प्राप्त कर सकते हो। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, सबसे पहले शुरुआत में हमार को करना ये है कि इसको यहाँ पर ऊपर ही ऊपर आपको टाइटल लिखना है। टाइटल का मतलब गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सबसे पहले आपको गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल या गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट सेक्टर की स्कूल है तो प्राइवेट स्कूल का नाम जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो नाम लिखना है। अगर नहीं दिया हुआ है तो आपकी इच्छा हो जो स्कूल का नाम लिख सकते हो। फिर एक लाइन छोड़नी है, एक लाइन के बाद में आपको डेट लिखना है 10 मार्च 2023। फिर इसके बाद में नोटिस लिखना है यहाँ पर कैपिटल वर्ड्स में, फिर आई डोनेशन कैंप लिखना है, फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर उसके बाद में लिखना है ऑल द स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स की जगह प्लेयर्स भी हो सकता है, विलेजर्स हो सकता है, स्टाफ हो सकता है और अदर वर्ड्स भी हो सकते हैं। और फिर उसके बाद में लिखना है आर इन्फॉर्म दैट, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्म किया जा रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर का यूज किया जाएगा। फिर है आर इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए। अब जैसे आप, हमारे पास टॉपिक था क्या आई डोनेशन कैंप, जैसे क्वेश्चन में आई डोनेशन कैंप दिया हुआ है इसलिए अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, आई डोनेशन कैंप, आई डोनेशन कैंप ये क्वेश्चन में था इसलिए अपन ने ये लिखा। अगर मान लो इसकी जगह ब्लड डोनेशन कैंप होता तो यहाँ पर भी ब्लड डोनेशन आएगा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ब्लड डोनेशन कैंप आएगा। अगर SUPW कैंप होता तो SUPW यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी कौन सा आ जाएगा, SUPW कैंप। NCC कैंप होता तो यहाँ पर भी NCC आएगा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, NCC कैंप। अब विल बी हेल्ड ऑन, अब जैसे कैसे किस दिन वो हेल्ड हो रहा है, अब दिन का नाम लिखना है यहाँ पर ऑन संडे, संडे को हो रहा है तो संडे, और अगर मंडे को हो रहा है तो मंडे लिख देंगे यहाँ पे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, यानी जो 7 डेज होते हैं उनमें से किसी एक का नाम यहाँ पर लिखना है। फिर इसके बाद में अगर उसमें क्वेश्चन में अगर डेट दी हुई है तो आपको डेट लिखनी है, और अगर नहीं दी हुई है तो यहाँ पर 10 मार्च थी तो 10 मार्च के ठीक 5 दिन बाद कितनी मार्च आएगी, 15 मार्च, तो यहाँ पर लिखना है आपको 15 मार्च 2023 लिखना है। फिर इसके बाद में एट कितनी बजे से कितनी बजे तक होगा, तो जैसे मान लो ये होगा प्रोग्राम 1 बजे से लेकर 4 बजे तक होता है तो 8:01 PM to 4 PM कितनी बजे तक होगा, 1 PM to 4 PM तक होगा। वेयर एवर वेंट टू पार्टिसिपेट इन इट, जो भी इसमें पार्टिसिपेट करने वाला व्यक्ति है
हु आर इंटरेस्टेड गिव देयर नेम्स, और जो भी इसमें इंटरेस्ट रखता है वो अपना नाम दे। अंडर साइंस, अब कितनी तारीख से पहले आपको नाम देना है, तो 15 और 10 के बीच की जो तारीख होती है वो कितनी होती है, 13 मार्च 2023। इस तरह से आपको इन डेट का ध्यान रखना है। यहाँ पर जो डेट है वो पहले लगाई जाती है, तो इसलिए ये इस डेट के और इस डेट के बीच में 5 दिन का अंतर होना चाहिए। लगभग ये कब हेल्ड होता है, उस हेल्ड से 5 दिन आपको घटाने हैं और वो डेट यहाँ पर लिखनी है शुरुआत में, और फिर इनके दोनों के मध्य की यानी कि जो सेंटर की जो डेट होगी वो यहाँ पर लिखनी है। जैसे मान लो 15 और 10 के बीच की जो डेट थी 13 मार्च 2023, तो अंडर साइंस आपको नाम देना है, कब तक देना है, 13 मार्च 2023 से पहले पहले आपको अपना नाम देना है। फिर है ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट अटेंड इट। अब जैसे मान लो इसमें अपन ने स्टूडेंट लिया था, तो इसलिए यहाँ पर क्या ले लिए, स्टूडेंट, और अगर प्लेयर होता तो प्लेयर आएगा, अगर विलेजर्स था तो विलेजर आ जाएगा, और स्टाफ मेंबर है तो स्टाफ मेंबर यहाँ पर लिख दिया जाएगा, किसकी जगह, स्टूडेंट्स की जगह। अब जैसे मान लो ये स्कूल में हो रहा था और स्कूल, तो ये स्कूल में भी हो सकता है, पंचायत भवन में हो सकता है जिसमें सरपंच बैठता है वहाँ पर हो सकता है, या किसी अदर डिपार्टमेंट में भी ये हेल्ड हो सकता है, तो उसका नाम आ जाएगा यहाँ पर। ओवर स्कूल की जगह आपको बदलना है, यहाँ पर स्कूल की जगह पहले इसका नाम जहाँ पर कैंप हेल्ड हो रहा है वो भी यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन ज़्यादातर यही पूछा जाता है, स्कूलों में ये कैंप संपन्न किए जाते हैं, तो इस तरह से आपको यहाँ तक इसको याद करना है। बिल्कुल इस फॉर्मेट को अगर आप याद करते हो तो आपको 4 में से 4 नंबर प्राप्त होंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में। फिर इसके बाद में आपको पोस्ट नेम, जैसे मान लो स्कूल का लेटर है तो यहाँ पर पोस्ट नेम लिखना है, या फिर आपको अदर कोई व्यक्ति है जैसे सेक्रेटरी है तो सेक्रेटरी का नेम आ जाएगा, तो यहाँ पर उसमें दिया हुआ है तो वो नाम आ जाएगा, यू आर, या इमेजिन दैट, या सपोज यू आर राहुल, जैसे ये आया तो यहाँ पर राहुल का नाम लिखना है, यानी यहाँ पर साइन हो जाएगा पोस्ट का नाम। तो जैसे मान लो मॉनिटर है तो मॉनिटर आ जाएगा, लीडर है तो लीडर आएगा, सेक्रेटरी है तो यहाँ पर सेक्रेटरी आ जाएगा, तो इस सेक्रेटरी के ऊपर साइन करने हैं और इसके ठीक नीचे उसका नाम आ जाएगा। फिर इधर देखो काउंटर साइंस बाय द प्रिंसिपल आता है इधर, मतलब यहाँ पर क्या लिखना है, जो इस डिपार्टमेंट का जो मुखिया आदमी है तो उसका नाम आ जाएगा, कहाँ, यहाँ पर काउंटर साइंस प्रिंसिपल, स्कूल में कौन होता है प्रिंसिपल, तो इसलिए अगर विलेजर्स का होता तो सरपंच होता है यहाँ पर, फिर उसका नाम यहाँ पर लिखना है। तो आपको ध्यान रखना है, वापस रिपीट करता हूँ मैं एक बार फिर से, देखो सबसे पहले आपको इंस्टीट्यूट नेम लिखना है, वो कैपिटल वर्ड्स में लिखना है, फिर उसके बाद में एक लाइन छोड़ करके आपको क्या करना है, डेट लिखनी है, डेट जो अगर उसमें पर्सन में दी हुई है उससे आपको 5 दिन घटा करके यहाँ पर डेट आएगी। जैसे मान लो आई डोनेशन कैंप हो रहा है 15 मार्च को, तो 5 दिन पहले की आपको डेट यहाँ पर लगानी पड़ेगी। फिर यहाँ पर लिखना है सेंटर के अंदर, इसका और इसका सेंटर देखना है, सेंटर में आपको नोटिस लिखना है, फिर उसके बाद में कैंप का नाम आ जाएगा। फिर या आपको याद करना है, ऑल द स्टूडेंट्स या विलेजर्स, प्लेयर्स या स्टाफ आर इन्फॉर्म्ड दैट, सभी को सूचित किया जाता है, और स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए आई डोनेशन कैंप या ए ब्लड डोनेशन कैंप या फिर SUPW कैंप, NCC कैंप विल बी हेल्ड ऑन संडे, संडे को होता है तो संडे, मंडे को होता है तो मंडे लिखना है। फिर इसके बाद में डेट जो क्वेश्चन में दी हुई है वो डेट आपको यहाँ पर लिखनी है, और इससे 5 दिन पहले की यहाँ पर लिखनी है। फिर ये कितनी बजे से कितनी बजे होगा, 1 PM to 4 PM, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर वो 10 बजे से 4 बजे तक हो रहा है तो आपको 10 से 4 यहाँ पर लिखना है। वेयर एवर वेंट टू पार्टिसिपेट इन इट, हु आर इंटरेस्टेड गिव देयर नेम्स अंडर साइंस। अब इस तारीख जो क्वेश्चन में दी हुई है, इस तारीख और इस तारीख के बीच का जो तारीख होगा यानी सेंटर का, वो यहाँ पर अंडर साइंस के बाद में आपको लिखनी है। ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट अटेंड इट, अगर कोई भी विद्यार्थी इसको अटेंड करता है या विलेजर्स अटेंड करते हैं तो उसको सूटेबल रिवॉर्ड भी दिया जा सकता है। फिर यहाँ पर लीडर का नाम लिखना है, या सेक्रेटरी का नाम लिखना है, या मॉनिटर का नाम लिखना है, और यानी इसके जस्ट नीचे लिखना है, यहाँ पर मॉनिटर आ जाएगा,
फिर इसके ऊपर उस मॉनिटर के साइन होंगे, फिर उसके बाद में यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा काउंटर साइज बाय प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल का नेम अगर उस क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप लिख दो, या फिर आपकी इच्छा से आप यहाँ पर किसी भी प्रिंसिपल का नाम लिख सकते हो, या फिर सरपंच का नाम आ सकता है अगर विलेजर्स की बात है, प्लेयर्स है तो कैप्टन हो सकता है इधर, तो इस तरह से कोच भी आ सकता है इधर। तो आपको इस तरह से इस नोटिस को करना है और इसको फिर डब्बे में बंद करके ज़रूर आना है, तो आप 4 नंबर प्राप्त कर लोगे आसानी से RBIC के एग्ज़ाम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।